हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 के अब तक के इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए यानी 99 ईयर्स के लिए चीन को सौंप दिया है? तो इसमें आंसर होगा श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा देश में बनी किस पहली परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया? तो इसमें आंसर होगा INS कलवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में INS कलवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। ये मेक इन इंडिया का उत्तम उदाहरण है। भारत की पहली पनडुब्बी का नाम भी INS कलवरी था। 8 दिसंबर 1967 यानी 1967 को पहली पनडुब्बी INS कलवरी नौसेना में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि से जुड़ने वाला 163वां देश बना है? तो इसमें आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर इंडिया 2017 कौन बने हैं? तो इसमें आंसर होगा जितेश सिंह देव और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज वोरा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस सेक्टर से जुड़े थे? तो इसमें आंसर होगा नीरज वोरा अभिनय से जुड़े थे। इन्होंने आमिर खान की फिल्म रंगीला की कहानी लिखी थी और वेलकम बैक, बोल बच्चन, खट्टा मीठा आदि फिल्मों में अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व तेलुगु सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो इसमें आंसर होगा यह सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को किस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है? तो इसमें आंसर होगा कोयला घोटाले में। सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले मामले में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव AK बसु और कोड़ा के सहयोगी विजय जोशी को 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने कोड़ा पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को किस राज्य में ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसमें आंसर होगा ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मिजोरम में किया और यह परियोजना 60 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने जोहान्सबर्ग में जारी कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसमें आंसर होगा स्वर्ण पदक। और इसी के साथ सुशील का ये 5वां कॉमनवेल्थ मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव में लगातार 6ठी बार जीत दर्ज की है? तो इसमें आंसर होगा गुजरात चुनाव में। और इसके साथ ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में हमेशा विजय युद्ध का अभ्यास किया? तो इसमें आंसर होगा राजस्थान राज्य में। और यह अभ्यास उन्होंने जैसलमेर और बाड़मेर के सामान्य इलाके में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसमें आंसर होगा 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के शहर
बर्मिंगम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर होगा, गुजरात का नया मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को चुना गया है, और वे दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, और वही नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा, एलिस पेरी को। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पेरी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दिए जाने वाला राशेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड जीत लिया है। यह पुरस्कार इंग्लैंड की दिग्गज महिला क्रिकेटर हेहोई फ्लिंट की याद में इसी साल से शुरू किया गया है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि राशेल हेहोई फ्लिंट अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो इसमें आंसर होगा, क्रिकेट के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगला प्रमुख किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगला प्रमुख कुम्मी नायडू को चुना गया है, और वे भारत के सलील सेठी से यह पद अगस्त 2018 में संभालेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें आंसर होगा, रमेश कुंतल मेघ को। और हिंदी समेत 24 भाषाओं की कृतियों के लेखकों को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अपना स्वयं के लोगों वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसमें आंसर होगा, बेंगलोर। बेंगलोर पहला शहर है जिसका अपना स्वयं का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में सबसे तेज T20 शतक के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो इसमें आंसर होगा, रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में केवल 35 गेंदों में शतक ठोककर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में सैकड़ा पूरा करने वाला विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है इन्होंने, और मिलर ने इसी वर्ष बांग्लादेश के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को 27 दिसंबर 2017 को कितने प्रतिशत घटा दिया है? तो इसमें आंसर होगा, 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली लोकल वातानुकूल ट्रेन का संचालन आरंभ किया गया? तो इसमें आंसर होगा, मुंबई में। और यह रेल सेवा चर्च गेट को बोरीवली से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्धन परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु कौन सी योजना आरंभ की है? तो इसमें आंसर होगा, प्रकाश है तो विकास है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु अधिकार संगठन पेटा यानी पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? तो इसमें आंसर होगा, अनुष्का शर्मा को। अनुष्का शर्मा शाकाहारी हैं, और उन्होंने दिवाली के मौके पर पटाखों से दूर रहने के लिए एक अभियान भी चलाया था, और उन्होंने मुंबई में सामान ढोने वाले घोड़ों के हक में भी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2017 को किसने हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसमें आंसर होगा, जयराम ठाकुर ने। और इन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ कौशल विकास कार्यक्रम हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर होगा, दक्षिण कोरिया के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग में सबसे महंगे पहलवान कौन रहे हैं? तो इसमें आंसर होगा सुशील कुमार। सुशील कुमार को दिल्ली सुल्तान्स ने 55 लाख रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशन की संपत्तियों के लिए अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसमें आंसर होगा रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व फुटबॉलर जॉर्ज वे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसमें आंसर होगा जॉर्ज वे लाइबेरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के बाद यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की पुष्टि की है? तो इसमें आंसर होगा इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2018 को किसे अगला विदेश सचिव नामित किया है? तो इसमें आंसर होगा अगला विदेश सचिव विजय गोखले को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1 जनवरी 2018 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 1 जनवरी 2018 को अरुणाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व भारत का दूसरा राज्य बन गया है, और सिक्किम खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश 1 जनवरी 2018 को वैट व्यवस्था शुरू करने वाले खाड़ी क्षेत्र के पहले देश बन गए हैं? तो इसमें आंसर होगा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1 जनवरी को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जारी किया गया है? तो इसमें आंसर होगा असम राज्य ने, और असम राज्य ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन में असम के 19 मिलियन लोगों को कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 1 जनवरी 2018 को रणजी ट्रॉफी 2017-18 का खिताब जीता है? तो इसमें आंसर होगा विदर्भ टीम ने, और उन्होंने 7 बार की चैंपियन दिल्ली टीम को 9 विकेट से हराकर यह खिताब पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान को वित्तीय मदद बंद करने की बात कही है? तो इसमें आंसर होगा अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है, और आगे वित्तीय मदद बंद करने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 के अपने पहले ट्वीट में पाकिस्तान की आतंकवाद को संरक्षण देने की नीति पर करारा हमला बोलते हुए पाकिस्तान की सहायता राशि रोकने का ऐलान किया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।